पूर्व सरपंच ने भाई बेटे के साथ मिलकर की दादागिरी। खेत में बारी लगा रहे 45 वर्षीय अधेड़ की लाठी डंडों से की पिटाई, सिर एवं हाथ में आई गंभीर चोटें। प्राथमिक उपचार के बाद पन्ना किया रेफर। खबरों के प्रायोजक है गुरुकुल एकेडमी अजयगढ़। गुरुकुल एकेडमी में आपके बच्चों को मिलेगी अच्छे शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार। पूरे समय से ही जर जोरू और जमीन को लेकर हमेशा ही खूनी संघर्ष होते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पबई थाना अंतर्गत ग्राम सिमरा बहादुर से आया है, जहां पूर्व सरपंच के द्वारा अपने भाई एवं बेटे के साथ मिलकर गांव के एक 45 वर्षीय किसान को लाठी डंडों से लहूलुहान करने का मामला सामने आया है। घायल के परिजनों की माने तो जवाहर सिंह यादव पिता गुलाम यादव पिपरिया दो निवासी पप्पू कोरी की जमीन को अधिया पर लिए हुए हैं, जिसमें बोई हुए फसलों को पशुओं से सुरक्षा के लिए रविवार को बारी लगा रहा था, तभी पप्पू कोरी से रंजिश रखने वाले सिमरा बहादुर के पूर्व सरपंच संतोष सिंह यादव, रामस्वरूप यादव एवं देशरात यादव जवाहर यादव के पास पहुंचे और गाली गलौज करते हुए उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें जवाहर यादव के सिर एवं हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी लगते ही पर्यंत तत्काल ही जवाहर यादव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पन्ना रेफर कर दिया है। परिजनों के द्वारा इसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई है। पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जे कहा के जे खेत लाए कोरी को अधिया, वहां बारी लगा उठते बे लोग बाप बेटा और भैया आए भैंसियां लेकर, भैंसियां उन खेत में बैठ दी तो इन रोका। रोकने के बाद उन लोगों ने तीनों ने हमला किया तो सर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया और कोरी के जूता और पैर भी फ्रैक्चर हो या ना हो लेकिन हाथ फ्रैक्चर है, एक हाथ दूसरे हाथ का गवा फटा है, सर दो जगह से खुला है। किसने हमला किया इनको? जे संतोष सिंह यादव पिता भद्दी यादव, रामस्वरूप यादव पिता भद्दी यादव, देशराज यादव संतोष पिता संतोष सिंह यादव, इन लोगों ने। जमीन किसकी है? जमीन है पप्पू कोरी लुखिया कोरी।